भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने की शुरुआत हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने का किस्मत से भी खास कनेक्शन रहता है। इस महीने आप चाहें तो भगवान शिव को खुश कर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको कुछ मामूली से उपाय करने हैं जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आपके मन के मुताबिक ही फल देंगे। यदि आपके पास लगातार पैसों की कमी आ रही है तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। ये उपाय आपकी धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को पल भर में दूर कर देता है। सावन में नियमित रूप से शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करने से धन से जुड़ी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। सावन के महीने में प्रातः और शाम को शिवजी के दरिद्रता नाश मंत्र का जप करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये मंत्र है, ओम दरिद्राय दुखम दहनाय नमः शिवाय। खासकर सावन में कोशिश करें कि रोज़ यथाशक्ति कुछ न कुछ धन का दान कर सकें। यदि आप रोज़ाना नहीं कर सकते, सावन में हर सोमवार को किसी भी गरीब को धन दान कर सकते हैं। सावन के महीने में कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी हमारे शास्त्रों में कुछ उपायों का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि इन उपायों को पूरे मन और श्रद्धा से किया जाए तो ये अवश्य ही फल देता है। सावन में रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर सबसे पहले शहद चढ़ाएं, उसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करें। ऐसा करते समय आपको एक विशेष मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। मंत्र जप के बाद आप प्रार्थना करके आप जल्द ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। कर्ज से मुक्ति के इस उपाय को सावन में हर मंगलवार को करना चाहिए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।